वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग और मैं अनिल प्रजापति फेमस ब्लॉग में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं वर्धमान फैंटेसी। आने के लिए सबसे पहले हमको मीरा रोड स्टेशन पे उतरना पड़ता है, वहाँ से फिर हम रिक्शा पकड़ेंगे, जो रिक्शा 25 रुपीज़ लेता है। 25 रुपीज़ में हमको ला के वर्धमान फैंटेसी के पास छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ का एंट्री फीस ओनली 2 रुपीज़ है। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे अंदर, एंट्री करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। टिकट काउंटर, टिकट तो मिल गया है। पार्किंग एरिया इधर, तो ओनली 2 रुपीज़ देख सकते हैं, ओनली 2 रुपीज़ है। 2 रुपीज़ में यहाँ पे एंट्री है और एंट्री मारने के बाद यहाँ से हम देखेंगे क्या क्या है देखने के लिए। बच्चों के लिए रेल है, बड़े आदमी भी बैठते हैं इसमें, बड़े भी बैठते हैं। कितना चार्ज है? बड़े आदमी बैठेंगे कितना चार्ज है? 50 रुपीज चार्ज। बड़े आदमी भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं सब। सामने सब खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ पे ये ट्रेन है बच्चों के लिए और बस है बच्चे लोग के लिए, जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी बच्चे लोग कर सकते हैं। रेल पटरी है रेल की और ये रही ट्रेन। बहुत सारे एक्टिविटी है यहाँ पे करने के लिए, बच्चे लोग भी खेलने के लिए तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी है और बड़े लोग के लिए भी है एक्टिविटी। देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा झूला है यहाँ पे बड़े लोग के लिए। फन क्लास भी है, उसका टिकट का प्राइस है पर पर्सन 200। Thank you.
एक और ये बंडर रहा। सेवन वंडर में सबसे अच्छा वंडर यही है। दिन का शिराज और ये जिन भी यहाँ पे है, ये ताजमहल है। इससे आगे जाएंगे तो अपने को मिलेगा एक लेक, लेक के अंदर बोट राइडिंग भी करते हैं। तो चलो आगे जाते हैं, देखते हैं बोट राइड। लेक के पास अभी मैं पहुँचने वाला हूँ और देखते हैं कैसा लेक है। और बोट राइडिंग भी वहाँ पे होता है, उसकी प्राइस सबकी प्राइस अलग अलग रहती है। यहाँ पे बोट राइडिंग का 50 रुपीज़ से 80 रुपीज़ रहता है और बाकी भी जो भी है सबका 50 से 80 रुपीज़ रहता है। तो लेक के पास में आ गया। क्लासिक फूड बहुत ही अलग दिख रहा है एकदम। ट्रेन है, बस चालू हो गई यहाँ से, बेस्टी बस है। रहता है ऐसे ही। और चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं, अभी शाम होने वाला है और रात का एक्टिविटी थोड़ा अलग रहता है, तो रात की लाइटिंग थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद फिर निकलने का प्लान करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा है। देख सकते हो मेरे पीछे क्या मस्त लाइट है,
मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स पूरा घूम के पूरा मज़ा ले के पूरा सब कुछ हो गया है। राइड्स पे तो मैं ज़्यादा गया नहीं, और चलिए फिर यहाँ से अब निकलते हैं और आगे जाते हैं घर की तरफ, अब प्रस्थान करते हैं। और बहुत ही अच्छा है वर्धमान फैंटेसी, और हर मतलब बच्चे लोग को तो लेके आने लायक ही है यहाँ पे, और बच्चे लोग आएंगे ना तो बाप रे बाप उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है सच्ची में। आई होप आप लोग बच्चे लोग को लेके आओ और बहुत ही इन्जॉय करो। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।